लेकुम गाइस, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे फिट फाट रहना है पूरे सीखने के दौरान। इंशाल्लाह ये सारी स्किल्स हमें कामयाब होने में मदद करेंगी। तो आज का टॉपिक है लिसनिंग स्किल्स। क्या तुम तसव्वुर भी कर सकते हो क्या लिसनिंग एक हुनर हो सकता है? मतलब हाँ, मैं तो नहीं कर सकता था बिल्कुल भी। बीकॉम याद है मुझे, जब मैं बीकॉम में था तो मतलब 2011 की बात है, तो जस्ट वन पेज का एक लेसन कम्युनिकेशन में पढ़ा लिसनिंग, तो बहुत हैरान हुआ था ये लिसनिंग पे इतना सारा कैसे लिख सकते हैं एक पेज। देन इग्नोर, पेपर वर्क गुजर गया जो भी गुज़रा। उसके बाद जब मैं अभी तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने पहले की बात है, मैं ऐसी सर्चिंग कर रहा था ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करने के लिए, तो मैं एक जगह मैंने पढ़ा एक्टिव लिसनिंग, और जब मैंने कोर्स का ड्यूरेशन देखा तो 2.5 घंटे। मैं बहुत परेशान, ये क्या चीज़ है 2.5 घंटे में लिसनिंग के बारे में क्या बात करेंगे भाई, सिर्फ सुनना ही तो है। फिर आई स्टार्टेड दैट कोर्स और वेन आई रियलाइज दैट कि लिसनिंग तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, और लिसनिंग जो है सबसे बुनियादी की है कुछ भी सीखने के लिए। तो हमने तो अपना पूरा वक्त बर्बाद कर दिया, मतलब 16 साल पढ़ भी लिया और उसके बाद भी 6-7 साल गुजर गए, और अभी तक यही नहीं पता था कि लिसनिंग होती क्या है। अगर काश पहले पता होता तो आज कहीं और होते। तो खैर, आप लोगों को ऐसा नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे लिसनिंग क्या होती है और लिसनिंग में हम क्या क्या सीखेंगे वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो बेटा, लिसनिंग क्या होती है? सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन में 2nd नंबर पे है लिसनिंग। वैसे तो मेरे ख्याल में 4th पे या 3rd पे आता है, मुझे सही इसकी सीरियल नहीं पता, लेकिन हमारे लेक्चर में 2nd नंबर पे लिसनिंग। तो जल्दी से लिसनिंग क्या होती है, हम सबसे पहले तो मैं बता दूं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रोसेस क्या होता है लिसनिंग का, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर चार चीज़ें हो रही हैं मोड्स, लेवल, कॉजेज और वेज। मतलब मोड्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, लेवल क्या होते हैं लिसनिंग के, कॉजेज क्या होते हैं, वेज क्या होते हैं। तुम्हारे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, लास्ट वाला है वेज टू इम्प्रूव लिसनिंग। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि नेट पे बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया या अगले किसी लेक्चर में फोकस किया। मैंने उन चीज़ों को फोकस किया है जो ज़्यादातर इग्नोर कर दी जाती हैं, जो नहीं पता चलती हैं, जिनको ढूंढना मुश्किल है तुम्हारे लिए, और जिनका पता होना बहुत सारी चीज़ों में कामयाबी कर सकता है। मतलब बात यह है कि मशीन को चलाना जानने से ज़्यादा मशीन बनी कैसे उसके बारे में पढ़ना, तो फिर वो शख्स ज़्यादा कामयाब हो सकता है ना। मशीन को चलाना तो सब जानते हैं, तो वेज टू इम्प्रूव तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, और हम डिस्कस भी कर लेंगे आगे दिनों में। लेकिन लिसनिंग बेसिकली है क्या, इसके बारे में पूरी नॉलेज होना तुम्हें इसकी अहमियत का एहसास दिलाएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है लिसनिंग की, कोई लिसनिंग क्या है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक फ़र्क बता दूँ कि 2 लफ्ज़ होते हैं इंग्लिश में, एक हियरिंग होता है और एक लिसनिंग होता है। हियरिंग जो है पैसिव है, पैसिव का मतलब हम ऐसे चलते हुए जा रहे हैं किसी गली से और कहीं सॉन्ग्स बज रहे हैं, हमारे कानों में आवाज़ पड़ गई, मतलब हम सुनना नहीं चाहते थे, हम विलिंगनेस नहीं थे टू लिसन टू हेयर, लेकिन वो खुद ही हमारे कानों में आवाज़ पड़ गई, वो हेयरिंग कहलाते हैं। मतलब जहाँ हमारी दिलचस्पी ना हो ऐसी बस कानों में आवाज़ पड़ रही हो, जैसा अक्सर हम मम्मी की आवाज़ के साथ करते हैं, मम्मी कुछ आवाज़ कहती हैं, कोई बात बता रही होती हैं तो हम हियरिंग कर रहे होते हैं, या हम क्लास में जब अच्छे मूड में होते हैं तो टीचर बकवास कर रहा होता है, हम हियरिंग कर रहे होते हैं, जैसे अभी तुम लोग मुझे हियरिंग कर रहे हो, है ना। तो लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग हियरिंग है, कान में ऐसी आवाज़ आ गई, इंटेंशनली तवज्जो के साथ गौर से किसी चीज़ को सुनना लिसनिंग कहलाता है। मतलब लिसनिंग पूरा एक प्रोसेस से गुजर के अगर आप किसी आवाज़ को सुने और उसके बाद एक पूरे प्रोसेस से गुजारें तो वो लिसनिंग बनता है। तो लिसनिंग इज़ दी एबिलिटी, लिसनिंग एक काबिलियत है टू एक्यूरेटली रिसीव, कि आप बिल्कुल सही तरीके से रिसीव करें एंड इंटरप्रीट मैसेज, और उसको इंटरप्रीट करें मतलब उसको डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें अपने जहन में इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान। मतलब मैं तुम्हें लिसनिंग बता रहा हूँ, तुम इसको गौर से सुनते हो, इसको समझने की कोशिश करते हो, फिर तुम्हारा दिमाग बताता है हाँ वाकई बहुत अहम है, तो डैट्स मीन यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, सही है। अच्छा, दूसरी बात यह, लिसनिंग इज़ द की ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन होती है उसकी सबसे बुनियादी की हो क्या होती है, लिसनिंग होती है। विदाउट एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेज आर ईजली मिस अंडरस्टूड। अगर हम अच्छे लिसनर नहीं हैं तो अक्सर हमारे मैसेज क्या हो जाते हैं, अंडरस्टूड हो जाते हैं। जैसे खानदान में लड़ाइयाँ करवाते हैं ना, पप्पो ने कोई बात बोली, आके अब्बू को वो बात अलग अंदाज से बताई और घर फड्डा हो गया,
क्यों, लिसनिंग पावर अच्छी नहीं थी? खाला ने कोई बात बताई, आके अब्बू को बता दी, अम्मी को बता दी, फिर वहाँ से फड्डा शुरू हो गया। तो लिसनिंग आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है। फिर क्या एक और डेफिनेशन है, लिसनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकिंग। कह रहा है रिसीव करोगे आप किस में, कि मीनिंग के साथ, उसके मतलब को सही से समझते हुए और उसके मुताबिक आप फिर रिस्पॉन्स करो, तो कहलाता है लिसनिंग। अब प्रोसेस ऑफ लिसनिंग है, बहुत जल्दी से बस गुजरेंगे इससे, बाकी तुम लोग डिटेल इसकी स्लाइड्स में पढ़ लेना, सही है। तो लिसनिंग का प्रोसेस नॉर्मली जो है, वैसे तो हर कोई जितने भी लेक्चरर हैं वो अलग अलग डिफाइन करते हैं, लेकिन जो नॉर्मली यूज़ होते हैं फाइव स्टेज का प्रोसेस होता है लिसनिंग का। सबसे पहले हम मैसेज रिसीव करते हैं, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर अपने जो हमारे मेमोरी होती है दिमाग की उसमें उसको डाल देते हैं, फिर वो मेमोरी में जाके इवेल्युएट होता है। जिस तरह हम कोई मोबाइल में चीज़ रिसीव करते हैं फिर वो ओपन होने लगती है, फिर वो हमारी रैम में चली आती है, रैम में चलने के बाद हम उसको खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या, और उसके मुताबिक उसको रिप्लाई करते हैं। तो यही होता है, रिसीव करते हैं, अंडर समझते हैं, फिर याददाश्त में अपने डाल देते हैं, फिर एवेल्युएट करते हैं कि हमें क्या जवाब बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और फिर हम उसका जवाब देते हैं। तो हम इसको डिटेल में आगे देखते हैं। रिसीविंग क्या होती है, ये इंटेंशनल फोकस होता है हियरिंग अ स्पीकर मैसेज, किसी भी स्पीकर के मैसेज को सुनने के बाद उसको फोकस करके रखना रिसीविंग कहलाता है, सही है। ये फंक्शन जो है आपका कान सर अंजाम देता है, एयर हमारा जो होता है कान के जरिए सुनते हैं ना, तो ये पहला फंक्शन हमारा कान सर अंजाम देता है। फिर अंडरस्टैंडिंग है, इन अंडरस्टैंडिंग स्टेज वी अटैम्प्ट टू लर्न द मीनिंग ऑफ द मैसेज। अंडरस्टैंडिंग में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे वाला क्या कहना चाह रहा है उसके मैसेज को बिल्कुल अच्छी तरह। और नेक्स्ट है फिर रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग बिगिंस विद लिसनिंग। इफ़ यू कांट रिमेंबर समथिंग डेट वॉज सेड, यू माइट नॉट हैव बीन लिसनिंग इफेक्टिवली। अगर कोई बात आपको कही गई है और वो आपको याद नहीं रहती, इसका मतलब आपने अच्छी लिसनिंग नहीं की, क्योंकि जब भी हम अच्छी लिसनिंग करते हैं तो हमारी मेमोरी में जाकर सेव हो जाती है और वो हमेशा याद रहती है। ये होता है कोई अच्छा सा लतीफ़ा कोई सुनाए, हम बहुत गौर से सुने, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। कोई टीचर कोई बहुत अच्छी बात सिखाए और हम गौर से सुन लें, वो चीज़ याद हो जाती है। और जिस दिन हम हियरिंग करते हैं, बस जाके बैठ गए क्लास में, टीचर बकवास कर रहे हैं, हम आपस में मस्तियों में लगे हुए हैं, तो वो जो है वो हियरिंग होती है, तो वो हमें याद ही नहीं रहती बाद में ना, इवन क्लास के बाद भी हम भूले बैठे होते हैं। अच्छा आगे बात है इवेल्युएटिंग, द फोर्थ स्टेज इज द लिसनिंग प्रोसेस इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग ऑफ द सेम मैसेज कैन वेरी वाइडली फ्रॉम वन लिसनर टू अनदर। इवेल्युएटिंग कहलाता है जो आपने बात सुनी और उसे अपनी याददाश्त में बिठा लिया, अब उसको इवेल्युएट मतलब खंगालो, उसमें कहे क्या, वो क्यों कही गई है, क्या बात बताई गई है, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। अच्छा पहला वाला किससे ताल्लुक़ रखता था, एयर से। टू थ्री और फोर्थ ये तीनों हमारे ब्रेन से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब मेमोरी में हमारे रिसीव होने के बाद कान से हमने रिसीव कर लिया, मेमोरी में गया, हमने उसको रिमेंबर करा, इवेल्युएट करा, और क्या करा था एक और काम, सबसे पहले अंडरस्टैंड करा, रिमेंबर याद करा और इवेल्युएट करा। ये तीनों काम किससे ताल्लुक़ रखते हैं, दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद आखिरी वाला काम जो है ना, रिस्पॉन्डिंग, जवाब देना अब तो, सही है, रख के जवाब नहीं देना, बहुत जो गौर से सुना है मैसेज उसको सही से समझा, तो अब हम उसको जवाब देने वाले। रिस्पॉन्डिंग समटाइम्स रेफर टू एज फीडबैक, ये हमारी बात का फीडबैक होता है, फिफ्थ स्टेज होता है और इसका ताल्लुक हमारी ज़ुबान से होता है, लिप्स से, मतलब हमारे होंठ हिलते हैं इसमें। तो पहले वाले का ताल्लुक एयर, ब्रेन से तीन का ताल्लुक, और फिर पाँचवा स्टेशन कौन सा है, रिस्पॉन्डिंग हमारे लिप्स से ताल्लुक है, सही है। अगर हम अच्छा इफेक्ट फीडबैक देंगे अपने इंस्ट्रक्टर को, तो क्लास के बाद क्या हो सकता है, हम उससे सवाल पूछ लें अच्छे लहजे में, सर आपने ये बात समझाई, अच्छा सर इसमें ये चीज़ क्लियर कर दिएगा, सर आपके कहने का मतलब ये था ना कि हम ये करें, मतलब हम उसको ऐसे बताएं कि उसके अल्फाज को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके बताएं, ताकि उसको लगे हाँ मैंने जो बात की थी इसने सुनी है, और अब ये सुनने वाला दिलचस्पी रखता है इसको और जानने में, इसके बारे में और आगाही हासिल करना चाहता है, सही। तो ये बात हो गई, इसको और ज़्यादा डिटेल में तुम लोग पढ़ना चाहो तो मुझसे नोट्स ले सकते हो, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। अब इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग की इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों है, सबसे अहम चीज़ जो है लिसनिंग है ना बेटा, अहम, वो आपका ट्रस्ट कायम करती है स्पीकर के साथ, आपका ट्रस्ट कायम करती है। मतलब हम मिसाल लेते हैं, अगर एज अ एकेडमिक वी आर ए स्टूडेंट एंड वी आर टॉकिंग, वी आर लिसनिंग आर टीचर, अगर हम अपने टीचर को सुन रहे हैं और हम स्टूडेंट हैं, तो अगर हम टीचर की बात को गौर से सुनेंगे तो टीचर हम पे एतमाद करेगा कि ये बच्चा मुझे तवज्जो देता है, ये बच्चा मेरी बात गौर से सुनता है, तो मुझे इस पे तवज्जो देनी है, मुझे इसको ज़्यादा सिखाना है, मुझे इसकी केयर करनी है कि ये आगे बढ़ने में मदद करनी है, तो टीचर हम पे फिर मेहरबान होते हैं जब हम किसी को सुनते हैं। इसी तरह अगर प्रोफेशनल लाइफ में जाओ, अपने बॉस की बात को सही से समझो, वो जो कहना चाह रहा है उन बातों को समझें, तो वो हमारा बॉस हम पे मेहरबान होता है,
होता है, हमारा मैनेजर हमारे ऊपर जो भी होता है, मतलब हमारा सुपीरियर जो होता है हम पे मेहरबान होता है। इसी तरह अगर हम अपने एम्प्लाइज़ को सुनते हैं तो हमारे एम्प्लाइज़ फिर हमारे काम वक्त पे करके देते हैं कि यार ये मेरा बॉस जो है मेरी बात गौर से सुनता है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसके काम वक्त पे करने चाहिए, तो एक अच्छा सा माहौल डेवलप हो जाता है। और एज अ पर्सनल लाइफ हम देखें तो हम अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अगर उनको कदर करके गौर से सुनते हैं, उनकी बातों को, उनके मसाइल को तवज्जो के साथ, जो भी लिसनिंग में चीज़ें होती हैं उनको प्रॉपर यूज़ करते हुए, तो हमारे रिलेशन में ट्रस्ट आता है, एतमाद आता है, मजबूत होते हैं। तो इन सारी बातों से हमें दो बातें समझ में आई कि ट्रस्ट कायम होता है और रिलेशन क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है, अंडरस्टैंड असाइनमेंट इन बेटर वे एंड फाइंड एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। हमें समझने में मदद मिलती है कि असाइनमेंट्स क्या दिए गए हैं और उनको आसानी से हम कर सकते हैं। बिल्ड रैपर्ट, मतलब आपस में तावुन की फिज़ा कायम होती है, कोवर्कर बॉसेस क्लाइंट्स वगैरह के दरमियान। सपोर्ट शो करती है लिसनिंग, या टीम बेस्ड एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बना देती है। प्रॉब्लम के हल में बहुत ज़्यादा मदद देती है, सवालों के जवाब आसानी से मिल जाते हैं, और जो मैसेज के बीच में बात होती है उसके बारे में मालूमात आसानी से मिल जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन, प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। नाओ बेटा, वेलकम अगेन। लिसनिंग मोड्स, लिसनिंग मोड्स क्या होते हैं कि लिसनिंग कितनी तरह से की जाती है, कितनी तरह से लिसनिंग की जाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। हम तो सिर्फ कानों से ही सुनते हैं। हाँ भाई, कानों से ही सुनते हैं, लेकिन सुनने के तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके कौन कौन से होते हैं जल्दी से देखते हैं। एक होता है अटेंटिव लिसनिंग, एक होता है रिस्पॉन्सिव लिसनिंग, और एक होता है एक्टिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग क्या होता है, अटेंटिव लिसनर जो होता है फोकस कर रहा होता है स्पीकर को, उसकी बात के दौरान उसको कोई जवाब नहीं दे रहा होता, जस्ट अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उसको ऐसा जाहिर कर रहा होता है हाँ मैं बात तुम्हारी तवज्जो से सुन रहा हूँ, इन रिमार्क्स से सुन रहा हूँ। तो अटेंटिव लिसनर फोकस ऑन द स्पीकर, वर्क हार्ड टू एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन, ताकि बाहर से इधर सब शोर शराबा इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, स्टेयरिंग कर रहा होता है, मतलब उसको अपने स्पीकर को अच्छी तरह देख रहा होता है। सही है, ये बहुत सबर वाला काम है। सबर वाला काम इसलिए कि लिसनर की बात पूरी, वो स्पीकर की बात पूरी होने का इंतज़ार करते हैं हम अटेंटिव लिसनिंग में। जब उसकी बात पूरी हो जाती है तब हम कोई सवाल वगैरह या कोई मुश्किल होती है उसको क्लियर करवाते हैं। तो ये अटेंटिव लिसनिंग कराती है। सही, और दिस इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल काम है लेकिन बुनियादी काम है, और स्किल चाहिए होती है इसमें मास्टर करने के लिए। कि आप गुड लिसनर, अटेंटिव लिसनर बनना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको महारतों की ज़रूरत होती है। सही। दूसरा चीज़ होती है रिस्पॉन्सिव लिसनर। रिस्पॉन्सिव लिसनर क्या होते हैं, जो शॉर्ट कुछ आंसर्स के ज़रिए ना जवाब दे रहे होते हैं अपनी बात का, शॉर्ट आंसर्स के ज़रिए जवाब दे रहे होते हैं। मतलब शॉर्ट आंसर नॉन वर्बल भी जवाब दे सकते हैं, बीच बीच में स्पीकर को ये बात जहन नशीन करा रहे होते हैं हाँ भाई हम तुझे सुन रहे हैं, तुम्हारी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम उसको तवज्जो दे रहे हैं। तो नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज भी दे सकते हैं और वर्बल रिस्पॉन्सेज भी दे सकते हैं। नॉन वर्बल मतलब आंखों से रिस्पॉन्स कर दिया, मुस्कुरा के, चेहरे को हिला के, नॉडिंग कहलाते शायद इसी तरह कुछ कहते हैं उसको, चेहरा हिला दिया या आंखों को झुका के हाँ हाँ जैसे समझ में आ रही है, या अपने ना हाथों के स्टाइल से बताती है जैसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ बताए हुए क्या क्या हो सकती हैं, स्माइलिंग हो सकती है, अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, नॉड द हेड, अपने सर को हिला सकते हो, आई कॉन्टैक्ट अच्छा कर सकते हो, मतलब मोबाइल वगैरह बंद रख के नोट्स लिख रहे हो आप उसकी बात के, या लीनिंग स्लाइडली टुवर्ड्स द स्पीकर, उसकी तरफ ऐसा ऐसा देख रहे हो, कभी नोट्स की तरफ देख रहे हो, कभी उसकी तरफ देख रहे हो, तो उसको लगेगा हाँ मेरी बात को तवज्जो दे रहा है, मुझे अहमियत दे रहा है, मैं इसकी नज़र में कुछ अहमियत रखता हूँ। वर्बल रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं, हाँ अच्छा हूँ, आई सी, यस, रियली, ये नीचे वाले तीनों जो है आई सी, यस, रियली, अगर टू मैन कन्वर्सेशन हो रही है, थ्री मैन इन अ मीटिंग कन्वर्सेशन हो रही है तो फिर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बल्क कन्वर्सेशन में ये वर्बल रिस्पॉन्स मुश्किल होते हैं। फिर अवॉइड करने डिस्करेजिंग रिस्पॉन्सेस, कैसे, नर्वस गेस्चर नहीं बनाया, परेशान सी शक्ल बना ली, अगला स्पीकर भी परेशान, यार मैंने ऐसी क्या बात कह दी जो इसको बुरी लग गई। सही है, अंगड़ाइयाँ नहीं लेनी है, जमाइयाँ आ रही हैं पता चले खूब जमाइयाँ, पता नहीं क्या बकवास कर रहे, सुने जा रहे हैं बस सुने जा रहे हैं। और अपनी घड़ी को बार बार नहीं देखना, जैसे ज़्यादातर हमारे जो लड़के हैं साथ नमाज पढ़ने आते हैं, हम सब पढ़ा रहे होते हैं और हम घड़ी बार बार देख रहे होते हैं, यार जल्दी से बस खुतबा ख़त्म हो, नमाज हो और हम घर जाएँ खाना वाना खाएँ। तो बेटा ऐसा नहीं करना, तीन काम नहीं करने, नर्वस गेस्चर नहीं बनाने, जमाइयाँ नहीं लेनी और अपनी घड़ी की तरफ बार बार नहीं देखना। सही। लास्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सबको एक्टिव लिसनर बनना है। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, एक्टिव लिसनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग स्किल है, लिसनिंग स्किल है। और इसमें क्या होता है, हम स्पीकर पर कम्प्लीटली फोकस कर रहे होते हैं,
उसके मैसेज को गौर से समझते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को कम्प्रीहेंड करते हैं, मतलब उसको खंगालते अच्छी तरह, और रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के। मतलब इसके ये रिस्पॉन्ड करने नहीं, मतलब आज हमने बात सुनी, फिर घर जाके हमने उसको समझने की कोशिश में एक हफ़्ता गुजार दिया, और फिर उसके बाद समझने के बाद उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करने अब जा रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार। नहीं, ये नहीं करना, हमें अपनी थिंकिंग पावर को मजबूत बनाना है, जाके जैसे हमारे मैसेज आए हम अपने उसको अंडरस्टैंडिंग पे लेके जाएं, अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसको रिमेंबरिंग में लेके जाएं, रिमेंबरिंग के बाद हम उसको फौरन ही तीसरी चीज़ क्या थी, इवेल्युएटिंग की तरफ लेके जाएं, और फीडबैक, ये सब काम सेकंडों में करना। और जब हम इसकी रिपीटेशन की आदत हो जाएगी ना, तो हमें ये सब काम जल्दी जल्दी होने से लगेंगे। एन एक्टिव लिसनर मॉनिटर्स द कम्युनिकेशन ऑफ अ मैसेज फॉर बोथ कॉन्टेंट्स को भी मॉनिटर कर रहा होता है, फीलिंग्स को भी मॉनिटर कर रहा होता है। मतलब खाली उसके अल्फाज पर तवज्जो नहीं दे रहा होता, वो चेहरे पर क्या उसके गुजर रही है, उसके हाथ किस तरह काम कर रहे हैं, उसका आँखें किस तरह काम कर रही है, मतलब उसके बॉडी के तमाम एक्सप्रेशन को गौर से समझ के उन बातों को भी समझ रहा होता है जो उस वक्त वो कह नहीं रहा होता जुबान से। तो यानी वर्ड्स और फीलिंग दोनों को समझते हुए जो बात समझी जाए वो एक्टिव लिसनर का काम है। सही, अच्छा। फिर एक्टिव वंस ऑफ लर्नर फील दे अंडरस्टैंड द सेंडर मैसेज दे पैराफ्रेजिंग इट बैक टू द स्पीकर टू इंश्योर अंडरस्टैंड। ऐसे लिसनर जो होते हैं ना, सवाल जब बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब सवाल जब बहुत ज़्यादा क्या, मतलब ऐसे नहीं कि बस टकाटक सवाल करने शुरू हो गए, मतलब उसकी बात को सुनते हुए समझते हुए उससे और क्लेरिफिकेशन मांगते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मांगते हैं कि उसको बुरा भी ना लगे कि मुझे खंगाल ले, और वो इंतज़ार करके सारी चीज़ें सीख के करते हैं। सही है, तो इसमें यही कह रहा है कि आप एक बार उसको लिसनर फील करता है कि वो समझ गया है सेंडर का मैसेज, तो फिर उससे वो दोबारा पूछता है। जैसे सेंडर ने कहा कि कल रात मीटिंग है, तो आपने उससे कहा सर वो कल रात की मीटिंग ओके डन है सर, लेकिन वो कितने बजे है रात को एग्जैक्ट टाइम अगर बता दें तो सबको आसानी होगी। हाँ भाई कल रात को 8 बजे एग्जैक्ट मीटिंग है। सर कहाँ, ऑफिस के कौन से रूम में करवाएंगे? सर आपके रूम में ज़्यादा बेहतर रहेगी या वहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगी? मतलब हम उसको सजेशंस के साथ दे रहे हैं। तो इस तरह जब हमें मालूम का तबादला करेगा तो उसको लगेगा हाँ भाई मेरी बात गौर से सुन रहा है और मेरी बात को क्लियर करना चाह रहा है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें करनी है इसमें एक्टिव लिसनिंग में। और एक आध चीज़ और है कि बस अब ये सब चीज़ें तुम लोगों के लिए मैंने एक्स्ट्रा डाली हैं, तुम लोग इसको गौर से देख लेना। एक्टिव लिसनर बनने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, 5 टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं, वैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं 50-60, लेकिन ये 5 बहुत ज़्यादा होती हैं। अटेंशन देनी है, हमें उसको शो करना है कि हम उसको गौर से सुन रहे हैं, फीडबैक बहुत अच्छा देना है जो आप लोग मुझे तो देते ही नहीं हो, मतलब 12 बच्चों के अलावा शायद मुझे सही से रिस्पॉन्स नहीं आता, और 5 ही अच्छे पूरा कमिटमेंट पूरा करते हैं, जवाब देते हैं, तो हमें फीडबैक तो मिलता ही नहीं है। और डेफर जजमेंट, जजमेंट नहीं करनी, मतलब आपने पहले उसकी शक्ल देख के, कोई नया टीचर हमें पढ़ाने आया, वो चश्मा मोटा सा लगा होता है, अबे ये बेवकूफ़ हमें क्या पढ़ाएगा, इसे तो खुद पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब हमने पहले ही जज कर लिया कि बंदा अच्छा नहीं है। अब जब हमने जज कर लिया तो वहीं हमने लिसनिंग की कैपेबिलिटी खो दी। सही, और रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, जो बात पूछी जा रही है उसी पैराए में जवाब देना है, उसको समझ के उसी तरह से जवाब देना है। सही है, स्टार्ट यूजिंग एक्टिव लिसनिंग टेक्निक टुडे टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। अगर आप आज ही से शुरू करते हैं एक्टिव लिसनिंग टेक्निक को यूज़ करना, तो आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएंगे। ये था हमारा मोड्स ऑफ लिसनिंग। नाउ मूव टू लिसनिंग लेवल्स। लिसनिंग लेवल्स छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा, लेकिन समझना ज़रूरी है, थोड़ी आसानी हो जाएगी तुम लोगों को। लिसनिंग लेवल क्या होते हैं? लिसनर टिपिकली पे अटेंशन टू द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन दे थिंक इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाउ एवर फेलियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन मतलब लिसनर जो फोकस तो कर रहा होता है कम्युनिकेशन पे लेवल, लेकिन उसको कम्युनिकेशन के लेवल्स नहीं पता होते कि हमें कहाँ पे कौन सी बात ज़्यादा गौर से सुननी है। तो आज हम इसको समझते हैं कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं और अपनी कम्युनिकेशन में इसको लाने की कोशिश करेंगे। सही, जैसे ना हमारी मोस्ट कन्वर्सेशन कवर 4 प्राइमरी लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक होता है फैक्चुअल, फैक्चुअल निकला है फैक्ट से, फैक्ट एंड फिगर्स, मतलब हमारा अगर हिस्ट्री का टीचर आया है तो हमें फैक्ट्स एंड फिगर बताएगा कि ये जंग इस साल हुई, इसमें इतने लोग शहीद हुए। वहाँ क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग की चीज़ें ज़्यादा होंगी, मतलब नंबर्स में बात हो रही होगी, या हम जैसे आजकल कोरोना अपडेट्स ले रहे हैं तो इतने मरीज़, तो काउंटिंग की बात हो रही है, तो फैक्ट्स पर बात हो रही है ना। तो ये जो इस तरह की कन्वर्सेशन होंगी उसमें लिसनिंग का तरीका ये होगा कि हम
फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, फैक्ट्स को लिखने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं, सही है। दूसरी होती है पर्सपेक्टिव लिसनिंग, जहाँ पे कोई आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं या किसी चीज़ के बारे में अपने बिलीव बता रहे होते हैं, जैसे मुफ्ती साहब बिलीव बता रहे हैं, या हमें कोई ऐसा बंदा है जिसके एक्सपीरियंसेस हैं बुरे वक्तों के तो वो हमें बताना चाह रहा है, तो पर्सपेक्टिव है। इमोटिव क्या है, कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहा है, कोई अपना दर्द शेयर करना चाह रहा है, कोई ऐसी बात बताना चाह रहा है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको इंपॉर्टेंट समझ के ही सुनना। और मिक्स क्या होती है कि कन्वे कर देते हैं कोई भी बात, मतलब ये सारी चीज़ों को मिला के जो कन्वर्सेशन की जाए वो मिक्स कहलाती है, ठीक है। इस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पर भी बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है, तुम लोग सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ पुअर लिसनिंग, पुअर लिसनिंग की वजूहात क्या क्या होती हैं, तो बेटा दो वजूहात होती है, मेन एक्सटर्नल फैक्टर और लिसनर खुद होता है। कभी कभी बाहर वाले फैक्टर्स वजूहात होते हैं और कभी कभी हम खुद पुअर लिसनिंग की वजूहात होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं, फिज़िकल पुअर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा स्कूल जो है वो रोड पे है और हम खिड़की बिल्कुल रोड के साइड जो खिड़की खुलती है वहाँ बैठे हैं, तो हर थोड़ी देर भंग 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 गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, वो हमारी डिस्ट्रक्शन का सबब बन रही है। तो पुअर फिज़िकल इन्वायरमेंट जो डिस्ट्रक्शन का सबब होता है, स्पीकर की टेक्निक्स जो है डिस्ट्रक्शन का सबब बन जाती है, मतलब टीचर आया आते के साथ ही भड़बड़ बस बोर्ड पर लिखना शुरू हो गया, मुंह में हल्की आवाज़ में बात कर रहा है ये वो, तो इस तरह की स्पीकर जो टेक्निक्स होती हैं वो हमें परेशान करती हैं। या स्पीकर का मैसेज, जो वोकैबलरी वो यूज़ कर रहा है, जो वो बातें यूज़ कर रहा है, ये सारी एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारी लिसनिंग को ख़राब करती हैं। अच्छा, इंटरनल लिसनर किस तरह करता है, फिज़िकल, रात भर जाके मोबाइल में बातें करते रहे, गाने सुनते रहे, फिल्में देखते रहे, सुबह सुबह क्लास में आके बैठ गए, लो भाई ना पुअर हेल्थ है, थका हुआ है तो उसको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी, और रात भर ऐसी घूमे फिरे पार्टियां करी और सुबह ऑफिस पहुंच गए तो अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते। तो अपनी नींद पूरी करनी है, अपने आप को सेहत को बरकरार रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, तो हम अच्छे लिसनर होंगे। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बात में दिलचस्पी ही नहीं है, जो बात करने जा रहा है टीचर यार ये सब्जेक्ट तो मुझे पसंद ही नहीं, अरे भाई पसंद नहीं है फिर भी पढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है, तो वह पहले से जहन बना लिया तो उस पर तवज्जो ही नहीं होती, तब हो जाता है। इंटरेस्ट मोटिवेशन नहीं होती कि हम पढ़ के करेंगे क्या, आजकल जैसे बहुत ज़्यादा होता है यार वो तो चिटिंग करके पास हो जाएंगे, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो इसका इंटरेस्ट और मोटिवेशन ही नहीं होती बन जाए। गलत टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब टीचर समझा रहा है मैथ के सवाल और उसकी इंग्लिश पे ध्यान दे रहे हैं कि यार ये इंग्लिश में सीएलएस होती है, और भाई जो गलत तरीके से नहीं सोचना, अगर मैथ समझा रहा है तो नंबर्स पे ध्यान ज़्यादा देना है, इंग्लिश पे थोड़ी देना है। और डिस्ट्रैक्टेड, मतलब स्पीकर की आवाज़, अपीयरेंस, मैनरिज्म, इनको सोच के अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, यार ये अच्छे कपड़े पहन के नहीं आया, हेलो भाई अब उसके कपड़ों पे ध्यान लग गया, पढ़ाई तो गई। नॉट अंडरस्टैंडिंग सम हाउ एट क्रॉस पर्पस विद लेक्चर, मतलब आप समझ नहीं पा रहे उस बात को, क्लियर नहीं हो पा रही, और आप में सवाल करने की हिम्मत भी नहीं है क्योंकि आप अच्छे लिसनर हैं ही नहीं, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट बेटा, आखिरी बस टॉपिक है वेस्ट टू इम्प्रूविंग लिसनिंग, इम्प्रूव लिसनिंग के आपको क्या तरीके हो सकते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा डेटा, अगर तुम लोग बोलोगे मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा तुम लोगों को पढ़ने के लिए, अगर तुम लोग मुझे कहोगे तो मैं एक और क्लास अरेंज करके इसके बारे में बता दूंगा, मतलब इसके लिए हमारे पास इतना डेटा मौजूद है कि हम 12-13 घंटे की तुम्हारी क्लास ले सकते हैं, तो अगर तुम लोग चाहोगे रिस्पॉन्स करोगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या क्या है, ख़ास ख़ास बातें बता देता हूँ कि हमें ना आई कांटेक्ट बरकरार रखना है स्पीकर के साथ, आई कांटेक्ट ऐसे नहीं कि उसको लगे गुस्से से कूद रहा है, ऐसा आई कांटेक्ट कि उसमें हमदर्दी हो उसके लिए, उसकी बात को सुनने की दिलचस्पी नज़र आए, ऐसा आंखों का रब्ता बरकरार रखना है। जज नहीं करना है स्पीकर को, जज करने से मुराद पहले से आइडिया नहीं बनाना, यार ये तो अच्छा बोल ही नहीं सकता, हमने बस अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, बाज़ लोग जो चेहरे से अच्छे नहीं लगते लेकिन उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, वो समझाते बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग ज़ाहरी इंप्रेशन जो है उसको पहले फॉलो करते हुए और हम पहले आइडिया कर लेते हैं यार ये अच्छा नहीं बोले ना तो ये अच्छा समझा भी नहीं सकता, तो बेटा ऐसा नहीं करना, पहले से स्पीकर को जज नहीं करना। और एक और लर्निंग का उसूल याद रखो, लिसनिंग में कभी भी ये नहीं सोचना ये तो मुझे पहले से पता है, जहाँ आपने ये सोचा ना ये तो मुझे आता है इसको मैं सुन के क्या करूँगा, वहीं आप बर्बाद हो गए, सही। अच्छा, नोट्स लाजमी बनाने, नोट्स लाजमी बनाने, यह ज़िंदगी का उसूल बना लो, चीज़ आती हो नहीं आती हो, दिलचस्पी हो ना हो, पेन और पेपर तुम्हारे हाथ में होना चाहिए वाइल लिसनिंग एनीथिंग, कुछ भी अगर सुन रहे हो ना तुम, किसी भी तरह का लेक्चर, कोई मालूमात, इवन तुम लोग खबरें भी सुन रहे हो, कुछ ऐसी बातें सुन रहे हो करो ना, तब भी तुम लाजमी नोट्स बनाया करो, इसकी आदत बना लो। अच्छा, क्रिएटिवली सुनना है तुमने, कोई भी बात हो उसको क्रिएटिवली सुनना है, मतलब अगर मैं होता तो मैं किस तरह बोलता, तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए सोचना। और फीडबैक लाजमी देना है, स्पीकर को फीडबैक लाजमी देना है, टीचर है उसको फीडबैक लाजमी देना है, एम्प्लाई हो कहीं अपने बॉस को फीडबैक लाजमी देना है, और मैनेजर हो तो अपने जो तुम्हारे अंडर काम करने वाले एम्प्लाईज हैं उनको रिप्लाई लाजमी देना है, फीडबैक ज़रूरी है। अपनी फैमिली के साथ शादी में कहीं जाके बैठो बातें चल रही हैं तो वहाँ भी फीडबैक लाजमी देना है, तो यही फीडबैक, यही दुआएँ, ये सब चीज़ें तुम्हें आगे बढ़ने में मदद देंगी।
सही है बेटा, इसके साथ ही बहुत लंबा लेक्चर हो गया। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना, कीप कमेंटिंग, क्रिटिसाइज़ करो, हमें तनकीद करो, हमें गालियाँ दो, जो दिल चाहे ना वो दो कर सकते हो, वो हमें दो, लेकिन जवाब दिया करो, लाजमी लाजमी लाजमी। थैंक यू बेटा।